गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, EBS चैप्टर 6, आवर फैमिली, हमारा परिवार। हम रीड करने जा रहे हैं हमारा परिवार। वी लिव विथ आवर मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। हम रहते हैं किनके साथ? अपने मम्मी पापा, मदर फादर और अपने भाई बहन के साथ में एक साथ रहते हैं। दे आर कॉल्ड आवर फैमिली मेम्बर्स। ये हमारे परिवार के सदस्य कहलाते हैं। द मेम्बर्स ऑफ फैमिली लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। सभी सदस्य एक घर में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स। मम्मी, फादर एंड मदर यानी कि मम्मी और पापा हमारे कौन कहलाते हैं? पेरेंट्स। ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड आवर सिबलिंग्स। ब्रदर और सिस्टर एक ही माँ के संतान होते हैं तो इन्हें सगे भाई बहन कहते हैं। टाइम टू डू लुक एट दिस पिक्चर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, राइट हु दे आर। यहाँ कुछ फैमिली मेम्बर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, इनके आपको नेम्स लिखने हैं। जैसे कि ये फादर, ये मदर, ये ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। इसमें आप बॉयज़ खुद बॉय हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं या फिर अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली। दे आर स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। हमारी जो फैमिली होती है कितनी तरह की होती हैं? तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी? स्मॉल फैमिली यानी छोटी फैमिली, लार्ज फैमिली यानी लंबी बड़ी फैमिली और जॉइंट फैमिली, इसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। फर्स्ट है हमारी स्मॉल फैमिली। फादर, मदर एंड देयर वन और टू चिल्ड्रंस मेक अ स्मॉल फैमिली। जिस फैमिली में मम्मी पापा और उनके दो बच्चे रहते हैं वो स्मॉल फैमिली कहलाती है। स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। स्मॉल फैमिली यानी छोटी फैमिली कैसी होती है? खुश होती है, खुश रहती है। जैसे ये देखिए, मम्मी पापा और टू चिल्ड्रंस हैं इनके, तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको? खुश दिख रहे हैं ना। नेक्स्ट है लार्ज फैमिली। अ लार्ज फैमिली, फादर, मदर एंड देयर मोर देन टू चिल्ड्रंस मेक अ लार्ज फैमिली। मम्मी पापा और उनके ज़्यादा बच्चे, दो से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो फैमिली कैसी कहलाती हैं? लार्ज फैमिली। अनयूजली मे नॉट इन्जॉय मच कम्फर्ट। वो कभी मतलब सही से इन्जॉय हर जगह नहीं कर पाते क्योंकि उनके बच्चे के चक्कर में ज़्यादा होते हैं, जिम्मेवारी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो थोड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आ जॉइंट फैमिली। ग्रैंडफादर, फादर, मदर, देयर चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट एंड कज़िन। जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? दादाजी, पापा, मम्मी एंड बच्चे उनके, चाचा जी, चाची जी, कज़िन यानी कि उनके बच्चे, ये सब मिलकर जब एक फैमिली में रहते हैं तो ये कैसी फैमिली कहलाती है? जॉइंट फैमिली। ये होती है एक बड़ी फैमिली जो सब एक साथ मिलकर रहते हैं। फैमिली रिलेशंस यानी हमारे परिवार के रिश्ते। देयर आर मैनी रिलेशन इन अवर फैमिली। दे आर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, कज़िन, ब्रदर, सिस्टर, ETC इन अवर फैमिली। हमारे परिवार में कौन कौन से रिलेशन होते हैं? दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, है ना, भाई बहन होते हैं, तो ये सब कहाँ? एक फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली में ये सब हमारे क्या हैं? रिश्तेदार, रिलेशन, इन सब से हमारे रिश्ते हैं। फादर्स आवर मदर, फादर इज़ आवर ग्रैंडफादर। पापा और मम्मी यानी फादर और मदर के जो फादर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर कहते हैं। फादर्स एंड मदर्स, मदर इज़ आवर ग्रैंड मदर। हमारे पापा और मम्मी की जो मम्मी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर, दादी जी या नानी जी बोलते हैं, ठीक है। फादर्स और मदर्स ब्रदर, मम्मी पापा के भाई बहन, भाई सॉरी, इज़ आवर अंकल, चाचा जी कहलाते हैं। हमारे पापा के भाई हों या मम्मी के, तो उनको हम अंकल कहकर बुला सकते हैं। अंकल वाइफ इज़ आवर आंट। अंकल की बीबी को हम क्या कहेंगे? आंटी कहेंगे। अंकल सन इज़ आवर कज़िन ब्रदर। अंकल का जो बेटा होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा भाई कहलाएगा, कज़िन ब्रदर यानी कि हमारे चाचा जी का बेटा। एंड अंकल डॉटर इज़ आवर कज़िन सिस्टर, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? कज़िन सिस्टर। ये हमारे चचेरे भाई बहन कहलाते हैं यानी चाचा के
बच्चे जो होते हैं चचेरे भाई बहन कहलाते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग, पेरेंट्स केयर देयर चिल्ड्रन अलॉट, पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। मदर कुक फूड फॉर आवर फैमिली, माँ जो होती है वो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं अपने घर के सभी लोगों के लिए। फादर वर्क्स टू अर्न मनी, पापा जो होते हैं वो पैसे कमाते हैं। दे आल्सो हेल्प अस इन आवर होमवर्क, और आपकी होमवर्क करने में भी मदद करते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसे आपको रीड करना है अच्छी तरह से। वीडियो देखिए, इसे रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड ओके, बाय।